Welcome to the channel Exam Box, and today we are here to study some article. And this article that we are going to study today is related to uh, economy.

96483 सिक्स अच्छा नंबर है ना तो अब आपने क्या करना है अगर आपको हमसे कुछ भी चाहिए रिलेटेड टू मटेरियल जो हम रोज देते हैं मतलब हम देते हैं आपको आप uh, को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है तो वो मटेरियल हम आपको ग्रुप में सप्लाई करेंगे और ग्रुप में जुड़ने की शर्त एक ही है कि आपको अपना नेम सिटी और जेंडर लिख करके हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज भेजना है ठीक है इस नंबर के अलावा हमारा कोई भी नंबर नहीं है इन केस यू गेट अ मैसेज फ्रॉम एनी अदर नंबर प्लीज़ रिपोर्ट एंड ब्लॉक दैट नंबर ये मेरा आपको सजेशन है ठीक है बट हमारा यही नंबर है इसमें एडमिन सब कुछ भेज सकता है नो चैटिंग इज़ अलाउड कॉलिंग इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड चलो इम्पॉर्टेंट so अनाउंसमेंट मुझे आज करना है कि हमारा बेंच इंग्लिश लर्निंग सिस्टम शुरू हो रहा है और इसके आगे है हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे और जिन्होंने अभी तक एनरोल नहीं किया है वो एनरोल कर सकते हैं चलिए आइए लेडेस स्टार सो वट इज द आर्टिकल दैट वी आर गोइंग टू स्टार्टिंग टूडे द आर्टिकल से मतलब होता है बिल्कुल किनारे पे तो आपने कोई टेबल देखी है तो टेबल का एक तो सेंटर होता है और एक टेबल का बिल्कुल किनारा होता है तो बिल्कुल जब किनारे पे खड़े होते हैं तो उसको बोला जाता है एज ठीक है so, सो अ पैरलस एज एज तो समझ में आ गया किनारा बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरलिसीबडी टेल मी पैरलस का मतलब क्या होता है पैरल का मतलब होता है ख़तरा डेंजर हजाद तो खतरनाक को बोला जाता है पैरलस हैजादस डेंजरस So, uh, खतरनाक है खतरनाक है उसी को बोलते हैं प्रेम शंकर झा लेट एस रीड इंडिया इकोनोमी भारत की तो का की के, के लिए अपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है ये तो आपको मालूम है ना सो so, भारत की अर्थव्यवस्था का मतलब होता है अर्थव्यवस्था इकोनॉमी okay? so, अब क्योंकि भारत, भारत की अर्थव्यवस्था की बात हो रही है तो एक ही चीज है थर्ड पर्सन सिंगुलर तो वर्ब आया ये और वर्ब में आपने क्या लगा दिया एस जब हम इंडेफिनिट में बात करते हैं किसी फैक्ट की बात करते हैं या किसी रेगुलर हैबिट की बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस एसिया ईस लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ सो इंडियाज इकोनॉमी सफर्स भारत की अर्थव्यवस्था सफर करती है किस चीज से सफर करती है सफर फ्रॉम सिस्टमिक फेलियर्स ना दिस इज सिस्टेमिक इट इज़ नॉट सिस्टेमैटिक सिस्टमैटिक का मतलब होता है नियम तरीके से लेकिन यहाँ पे सिस्टेमैटिक नहीं है यहाँ पे वर्ड आपको क्या मिला सिस्टमिक सिस्टम system का फेलियर तो अगर कहना है ना तंत्र का फेलियर है सिस्टम का फेलियर है प्रणाली का फेलियर है तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा वर्ड आया है दैट इज सिस्टमिक फेलियर जो सिस्टम का फेलियर है जैसे एजुकेशन सिस्टम है तो एजुकेशन सिस्टम फेल हो रहा है तो ये ये क्यों फेल हो रहा है क्योंकि सिस्टम में ही खराबी है सिस्टमिक फेलियर ओके सो इंडियाज इकोनॉमी सफ़र सफ़र करती है किससे करती है फ्रॉम सिस्टमिक फेलियर जो सिस्टम है हमारे अर्थव्यवस्था का भारत की अर्थव्यवस्था का वही चरमराया हुआ है वही खराब है तो उसी से वही फेलियर है द मेजर मेजर मीन्स मुख्य मेजर मीन्स मुख्य द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बहुत बड़ी जवाबदेही है अकाउंसिबिलिटी है रिस्पॉन्सिबिलिटी है द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विदेड ऑफ जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वो कहाँ पे है वो किस जगह ठहरती है लाइज विद द किसके पास है ऑफ़ का मतलब होता है दशक दस साल के पीरियड को बोला जाता है ऑफ़ हाई इंटरेस्ट रेट्स बाय बी आरबीआई तो मुख्य जिम्मेदारी किसकी है इस तरीके की सिस्टमिक फेलियर की आर बी आई के जो हाई इंटरेस्ट रेट्स हैं विथ अडिकाई इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई ब्याज की दरें सेट बाई सेट बाई मीन्स निर्धारित करी गई किन्ों ने निर्धारित करी किन्ों ने फिक्स करी कि बनाई सेट बाई आर बी आई वॉट इज आर बी आई कुनीर मी वॉट इज आर बी आई आर बी आई इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर कंट्री का एक मुख्य बैंक होता है जैसे हमारे इंडिया में आर है इट इज़ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक का मतलब होता है एक मेन बैंक जो सारे बैंकों को रेगुलेट करता है सारे बैंकों की जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सब गवर्न करता है इसीलिए इसको बोला जाता है एपेक्स बैंक ओके इट इज नॉट ओनली कॉल्ड आर बी इट इज आल्सो कॉल्ड ऑल्सो द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एज वेल एज योर एपेक्स बैंक एपेक्स कोर्ट भी होती है जो सारी कोर्ट्स के रूल निर्धारित करते हैं और वो कौन सी होती है सुप्रीम कोर्ट एपेक्स बॉडी का ही मतलब होता है सबसे बड़ी मेन बॉडी जो बाकी की चीज़ों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है ठीक है आई होप इट इज क्लियर तो अब यहाँ पे हम मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि सिस्टमिक फेलियर है और जिसकी वजह क्या बताई गई है आरबीआई द्वारा जो ब्याज की दरें हैं उनको बहुत हाई रखा गया दस सालों में उन्हें कम नहीं किया गया ठीक है चलो लेट एस स्टार्ट लेट मी जस्ट हैव माई रिमोट हीयर यस हमारे इस कोर्स से आराम से जुड़ सकते हैं एवरीबॉडी। या me check। या थैंक यू सो मच सो दिस इज आवर बेंच इंग्लिश लर्निंग सिस्टम ये हमारा कोर्स है जो हम कल से शुरू कर रहे हैं और सबसे कमाल की बात यह है बेंच का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा बिल्कुल डूब जाना तो एक्सेसिव तरीके से लर्निंग होगी आपकी रोज़ क्लास होगी पाँच दिन तक लगातार होगी हमारे को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है सभी स्टूडेंट्स की तरफ से मोर देन 200 हंड्रेड एनरोलमेंट्स हो चुके हैं हमारे और एक बात और आपसे शेयर करने जा रहे हैं कि आ, आप लोगों की रिक्वेस्ट के ही कारण हमने आज तक प्राइस नहीं चेंज किया था लेकिन आज शाम में शायद प्राइस अब इसका चेंज हो जाए ठीक है तो दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड टू बाय यू कैन बाय इट अभी इसकी कॉस्ट वन डबल नाइन है अब लेकिन हम इसकी कॉस्ट शायद सिस्टम ले लेगा चेंज कर देगा ठीक है सो दिस इज़ बेंच इंग्लिश लर्निंग सिस्टम और हमने सभी लोगों को ग्रुप में ऐड कर दिया है व्हाट्सएप ग्रुप में अगर कोई देख रहा है और ऐड नहीं हो पाया है तो प्लीज़ हमको रिक्वेस्ट हमें व्हाट्सएप पर भेज दीजिए अपनी रिसीट के साथ ठीक है हम ये नहीं चाहते कि कोई हो वैसे हमारे पास सब है बट स्टिल ओके एंड आवर नंबर इज नाइन सिक्स फोर एट थ्री नाइन सिक्स फोर एट थ्री ओके दिस इज अ फाइव डे प्रोग्राम एक्सटेंसिव प्रोग्राम है ये पाँच दिन का और इसके अंदर आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी शाम को सात बजे क्लास शुरू होगी और साढ़े आठ बजे खत्म होगी उसके बाद कुछ एक्टिविटीज भी आपको मिलेंगी ठीक है तो उन एक्टिविटीज को आपने सबमिट करना होगा और वही नंबर दीजिएगा जो व्हाट्सएप चलता हो जिसपे चलिए लेट एस स्टार्ट द क्लास एंड दिस इज आवर विनिथ इंग्लिश ब्लू प्रिंट बंडल ये हमारा कोर्स है अच्छा मैंने आपको बताया नहीं कि अगर आप ये ख़रीदना चाहते हैं तो ये हमारा लिंक है आप इस लिंक पे जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं ठीक है हब डॉट जीडा इंग्लिश डॉट कॉम स्लैश स्टो एस स्लैश स्टोर ये हमारा विनेट इंग्लिश ब्लू प्रिंट बंडल का कोर्स है जो हमसे सिस्टमेटिकली इंग्लिश सीखना चाहते हैं बोलने वाली वो इस कोर्स को भी ले सकते हैं कमाल का कोर्स है खूब एक्टिविटीज़ होती हैं, असाइनमेंट्स होते हैं और आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए अगेन आवर नंबर इज नाइन सिक्स फोर एट थ्री नाइन सिक्स फोर एट थ्री आप हमको इस पर लिख के जरूर भेजिए कुछ अगर पता करना चाहते हैं ठीक है थीके? बाकी कोर्स की पूरी जानकारी आपको यहाँ से मिल सकती है बिट डॉट ली एल स्लैश स्पोकन इंग्लिश कोर्स राइट चलिए लेट ऑन दिस इज आवर लाइव क्लास शेड्यूल देखिए टुडे इज हम अपने वायदे के अनुसार आ गए हैं आज भी या yeah, एंड बस थोड़ा सा टाइम शेड्यूल में आज गड़बड़ हो गई थी टेक्निकल इशू की वजह से अदरवाइज वी आर ऑलवेज हियर ना स्टार्ट अब इस आर्टिकल में हमारा जो-जो वर्ड्स जो आएंगे फटाफट -फड़ कर लेते हैं स्टार्ट अगेन अगेन एंड जल्दी जल्दी करते हैं सो so, पहला वर्ड आपको मिलेगा Melt मतलब मेल्ट डाउन मेल्ट तो का मतलब होता है पिघलना जैसे आइसक्रीम मेल्ट हो जाती है ना तो मेल्ट डाउन का मतलब होता है स्टीफ फॉल प्लंज या कोलैप्स एकदम से किसी चीज का गिर जाना उसको बोला जाता है प्लंज या फिर मेल्ट डाउन इन सोल्वेंट इन मीन्स नहीं सोल्व का मतलब होता है सॉल्वेंट uh, का इनफैक्ट मतलब होता है एबिलिटी टू पे डेट्स एबिलिटी टू पे डेट्स का मतलब होता है क्षमता जिससे कि हम अपने सारे कर्जों को पे कर सकें लेकिन नहीं कर सकते तो उसे बोला जाता है इन सॉल्वेंट क्योंकि इन मीन्स नो जब हम अपने दायित्वों का पालन करने में असमर्थ होते हैं वेन वी डू नॉट हैव मनी टू पे ऑल आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और हम दिवालिया हो जाते हैं तो उसको बोला जाता है इनसॉलवेंट दैट इज बैंक वो उसका मतलब होता है परेशानियाँ या फिर प्रॉब्लम्स इमीनेंट इमिनेंट का मतलब होता है अबाउट टू हैपन ऐसी चीज जो होने ही वाली है वॉर इज इमिनेंट अभी बीच में कितनी टेंशन हो गई थी तो ऐसा समझा जा रहा था सुपर लड़े सो द वॉर इज या वॉर वॉज इमिनेंट मीन्स होने ही वाला देन वी है एब्सर्ड एब्सर्ड का मतलब होता है बहुत ही भद्दा बेहूदा अजीब ऑकवर्ड क्लमजी तो यहाँ पे देखिए क्या दिया एब्सर्ड प्री

पर ऐसे ना पर फैला लेती है चिड़िया पर फैला लेती है तो ज्यादा एरिया कवर हो जाता है तो जो बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ हो उसे क्या बोला जाता है परवेसिव द क्वालिटी ऑफ स्प्रेडिंग वाइल्डली वाइल्डली मीन्स बहुत ही वाइड एरिया में देन वी हैव वर्ड या वॉट इज दिस वर्ड दिस इज स्ट्रेंथ एंड री इनफोर्स एंड द मेन वर्ड इज ब्रेस या इट मीन्स किसी चीज को बहुत ज्यादा मजबूत करना स्ट्रेंथन और री इन्फोर्स री इनफोर्स री इनफोर्स मीन्स पुनः किसी चीज को पे वजन डाल के कहना किसी चीज़ को री इन्फोर्समेंट भी कहा जाता है ऐसे ही ऐसे कैशुअल कैशुअल ऐसे कहते ना सो रिलेटिंग टू और किसी चीज़ के जैसे बनना, या कॉज दैट इज कैजल कैजुअल अप्रोच या अनदर वर्ड एंड इज एम्पेरिकल इट इज नॉट एम्पेरिकल इट इज एम ई एम आया है तो pronunciation इज एम्पैल एमपेरिकल एमपेरिकल मीन सी क्वेश्चन केव दीज क्वेश नेक्स्ट आल्टर आल्टर का मतलब होता है एक तो होता है ऑल्टर एक होता है आल्टर आल्टर मीनस प्लेटफॉर्म टू परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स रिलीजियस रिचुअल्स का मतलब होता है धार्मिक कर्म कांड तो ऐसी चीज़ जो जो धार्मिक कर्म कांड होते हैं ना जैसे कि आल्टर बेसिकली एक, एक जगह होती है एक प्लेटफॉर्म होता है जिस पर बलि दी जाती है आप इसको ऐसे समझ लीजिए राइट right? जब बलि दी जाती है जैसे दुर्गा पूजा होती है सब टाइम इस तरीके की चीजें होती है ना तो भगवान को चढ़ाई जाती है तो वो जो जगह प्लेटफॉर्म जहाँ पे चढ़ाई जाती है उसको बोला जाता है आल्टर देन वी हैव कैपिचुलेट कैपिचुलेट का मतलब होता है सरेंडर गिव अप और ईल्ड ईल्ड के एक और मतलब होते हैं एक तो ईल्ड का मतलब होता है घुटने टेक देना सरेंडर जैसे यहाँ पे मतलब है एक ईल्ड का मतलब होता है पैदावार नाउन के रूप में So, uh, crop yield होते है ना उसी को याद रखिएगा वो पैदा वो नाउन है लेकिन ये वर्ब है नेक्स्ट इज यूफोरिया यूफोरिया बहुत अच्छा वर्ड होता है आपको जहां भी आता है इट मीन गुड तो जरा यू से बनने वाले एक दो वर्ड्स मुझे बताएंगे आप लोग जल्दी से मुझे बताइए यू से बनने वाले एक दो वर्ड्स फर्स्ट वर्ड इज I let you know. Euphoria आपको मिल गया यूदनेजिया यूदनेजिया का मतलब होता है मर्सी किलिंग ओके अन वेरी गुड वर्ड विद यू इज यूफनी यूफनी अच्छी आवाज अच्छी आवाज को बोला जाता है यूफनी यूफोनियस

ओके, सो वी हैव दिस ओके गॉट इट, चलो आगे बढ़ते हैं ना लेट लेटेस्ट स्टार्ट द पैसेज पैसेज स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी बिन्ज इंग्लिश लर्निंग सिस्टम जो है वो कल से शुरू हो रहा है बारह तारीख़ से शाम को सात बजे से क्लास है सारे लोग जो एनरोल हो चुके हैं प्लीज़ एक बार हेलो हमें भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर नाइन सिक्स फोर एट थ्री नाइन सिक्स फोर एट थ्री पे जो नहीं है वो जल्दी से एनरोल हो जाइए क्योंकि आपने एक अच्छे लर्निंग सिस्टम की शुरुआत करनी है ओके okay? चलो लेट लेटेस्ट स्टार्ट द क्लास इंडियन इंडस्ट्री भारतीय इंडस्ट्री इज है क्या है इन मेल्ट डाउन भारतीय इंडस्ट्री जो है वो गिरने की कगार पे है बिल्कुल टूटने की कगार पे, है जर जर्जर होने की कगार पे है तो जरा मेल्ट डाउन के आप लोग फटाफट मुझे वो लिखिए सिनोनिम्स क्या क्या थे मुझे तो एक याद आ रहा है कोलैप्स कोलैप्स मीन्स बिल्कुल गिरने की कगार पे है सो इंडियन इंडस्ट्री इज इन मेल्ट डाउन गिरने की कगार पे है सेवेंटी एट ऑफ द लार्जेस्ट देखो लार्जेस्ट आया है ना लार्ज लार्जर लार्जेस्ट तो जितनी भी एडजेक्टिव्स होती हैं उनकी डिग्री होती है और ये कौन सी डिग्री है सुपरलेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री की खासियत ये होती है कि उससे पहले लगाया जाता है तो देखिए आपने लगाया पे सो so, एट ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज़ इन इंडिया तो 78 एट in so, uh, जो लार्जेस्ट कंपनीज हैं भारत में आर वो क्या कर, आर क्यों आया है क्योंकि ये 78 कंपनीज की बात कर रहा है प्लूरल की बात कर रहा है सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट अगर सिंगुलर होता है तो सिंगुलर सब वर्ब लगता है अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी कैसा लगता है प्लूरल लगता है देखो इंडियन इंडस्ट्री की बात हो रही थी तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर लगा लेकिन 78 एट ऑफ ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज की बात हो रही है तो वर्ब कैसा लग रहा है प्लूरल लग रहा है बात आप लोगों को समझ में आ रही है अगर आ रही है तो थम्स अप दीजिएगा आर फेसिंग वो फेस कर रही हैं सामना कर रही हैं तो एक तो फेस हुआ हमारा चेहरा और दूसरा फेस क्या हुआ सामना करना तो वो क्या कर रही हैं अठहत्तर बड़ी बड़ी कंपनियाँ क्या कर रही हैं दे आर फेसिंग वो फेस कर रही हैं सामना कर रही हैं किस चीज़ का सामना कर रही हैं डिज़ोल्यूशन ना डिजोल्यूशन का मतलब होता है डिजोल्व करना खत्म कर देना उनके अस्तित्व को मिटा देना means they are to be finished, vanished, क्योंकि systemic failure हो रहा है ना, कोड so किसके तहत अंडर का मतलब होता है यहाँ पे के तहत किसके तहत अंडर अंडर मीन के तहत अंडर द किसके इंडियन बैंक रपसी कोड ये एक कोड होता है इंडियन बैंक रपसी बैंक रपसी का मतलब ही होता है दिवालियापन तो ये अठहत्तर बड़ी बड़ी कंपनियां एक तरीके से खत्म हो रही हैं किसके तहत खत्म हो रही हैं इस एक्ट के तहत इंडियन बैंक रपसी कोड ठीक है वो समझ में आ गया किस सिंगुलर के साथ सिंगलर वर्ब और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब ठीक है ट्वेंटी have been declared जरा मुझे कोई बताएगा ये have been यहाँ पे क्या काम कर रहा है have been क्या काम कर रहा है इसके बाद ing आ रहा है या नहीं आ रहा जरा मुझे जल्दी से सोच के बताइए आप लोग has has सॉरी uh, have been के बाद ing आ रहा है या फिर नहीं आ रहा जल्दी बताइए सो फटाफट लेट मी नो सो 20 have been declared Insolvent, तो बीस जो है वो डिक्लेयर हो गई हैं डिक्लेयर्ड ईडी आ रहा है तो हैज बीन हैव बीन हैड बीन के साथ आप एक चीज़ याद रखिएगा अगर वर्ब की फर्स्ट में आई एन जी नहीं आता है तो ये काम क्या करती है ये आपका लिंकिंग वर्ब का, का काम करती हैं यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब का काम का कर रहा है इट इज़ वर्किंग एज अ लिंकिंग वर्ब हैव बिन declared insolvent, दिवालिया घोषित कर दी गई है दिवालिया का मतलब ही होता है insolvent एंड सेंट टू और भेज दी गई हैं कहां पे भेज दी गई हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एन सी एल टी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में भेज दी गई हैं इस तरीके के ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं इस तरीके की एसोसिएशंस बनाए जाते हैं जो कंपनी की असेट्स और लाइबिलिटीज़ का वैल्यूएशन करते हैं या और इसी में ही काफ़ी सारी चीज़ें देखी जाती हैं क्योंकि पैसा निकालना होता है ना कंपनी से उनको लोन दिया होता है डिक्लेयर्ड इंस्टॉलमेंट एंड सेंट टू नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल फॉर किस चीज़ के लिए डिजोल्यूशन के अब आ, अब हाँ ये कंपनी चलाने लायक नहीं रही है लोगों की सैलरी नहीं दे सकती है कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती है सारे का सारा पैसा डूब चुका है तो अब इस कंपनी को ख़त्म किया जाएगा ख़त्म किया जाएगा मीन्स नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इन सब चीज़ों को डिजोल्व करने में मदद करता है इस तरीके की कंपनी को थर्टी मोर तो बीस वहाँ तीस यहाँ पचास हो गई ना सो थर्टी मोर ऑल इन द पॉवर सेक्टर और ज़्यादातर ये किस सेक्टर में पार सेक्टर में है इफ uh, uh, पावर सेक्टर मीन्स बिजली के सेक्टर में है ये राइट सो देर इन द पार सेक्टर विल ऑल्सो बी सेंट टू दिलोत बिकास विल ऑल्सो बी सेंट टू द गोतिन अब ये गिलोतिन क्या होता है जल्दी से मुझे बताइए अगर आप लोगों को पता है बिकॉस क्योंकि क्यों बिकॉज द अलाहाबाद हाई कोर्ट हैजाइड अलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंकार कर दिया है इनकार कर देना मीन्स डिनाई देखो ये ना सारी लीगल टर्म्स होती हैं इसके अंदर हम अपने मन से नहीं लगा सकते तो जो कोर्ट होती है वो आपको किसी चीज से वंचित रखती है आपको मना करती है सो इसीलिए वी हैवे वर्ड डिनाई हैजाइड अब देखो हैज की बात भी करते हो वर्ड दैट इज थर्ड फॉर्म ये मेन वर्ब है हैज़ डिनाइड देम तीन तीस कंपनियों को मोर टाइम ज्यादा समय क्यों ज्यादा जा, समय देने से इनकार कर दिया है टू सॉट आउट सॉर्ट आउट का मतलब होता है सुलझाना किसी चीज़ को उस किसी चीज़ का uh, काम को सही करना टू सॉट आउट देयर कि उनकी जो भी ट्रबल्स हैं जो भी परेशानियां हो हैं, उनको सुलझाने के लिए ज्यादा टाइम उसने नहीं दिया उसने साफ इनकार कर दिया हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर या सो आई होप आप लोग पढ़ते हैं नोट्स बनाते हैं अच्छे से ग्रेट सो दिस इज अबाउट द कम द the companies that are on the verge of on the verge of का जैसे कहता है edge ऐसे ही on the verge of insolvency ये insolvent हैं तो मैंने क्या वर्ड लगाया आपसे insolvency ओके okay? दिवालियापन बहुत बढ़िया शाबाश यस गिलैटिन वेरी गुड रणजीत दे सो so, गिलैटिन डॉक्टर गिलैटिन ने बनाया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान और उन्होंने एक ऐसा ब्लेड बनाया था कि, कि उन्होंने कहा लोगों को मारना तो है ही लेकिन मारने में उन्हें कष्ट कम हो तो कैसा होना चाहिए कि वो ऊपर से आता है आपने अगर पुरानी पिक्चर्स देखी हो हॉलीवुड की तो वो क्या करते हैं वो गर्दन ऐसे उसके बीच में डाल देते हैं ऊपर से ब्लेड आता था वो बस टच ही करता था एंड दे इट यूज़ टू डिकैपिटेट मतलब कि सर धड़ से अलग हो जाता था तो ये डॉक्टर गिलोतिन ने बनाया था तो इसी से हमारे इंग्लिश में एक वर्ड आया सेंट टू गेलोतिन सेंट टू गेलतिन का मतलब वैसे होता है फांसी पे लटका देना किसी को ही वॉज सेंट टू गिल सो वी हैव दिस वर्ड तो इसीलिए यहीं पे ये बात यूज़ करी गई है कि थर्टी मोर ऑल इन द एक्ट सेक्टर अब देखो ये ना ये पूरा एडवर्बियल फ्रेज़ है आप इसको हटा के भी ख़त्म कर सकते हैं थर्टी मोर मतलब तीस और कंपनियां विल ऑल्सो बी सेंट भेजी जाएंगी टू द गति उनको उनको ख़त्म करने के लिए भेजा जाएगा डिजोल्व करने के लिए भेजा जाएगा बिकॉज क्योंकि द इलाहाबाद कोर्ट इलाहाबाद कोर्ट ने मना कर दिया है इनकार कर दिया है इन्हीं कंपनियों को देम किसके लिए मोर टाइम ज्यादा समय किसके लिए टू सॉट आउट देयर वूज की जो उनकी परेशानियाँ हैं उनको ठीक उनको सुलझाने में ज्यादा समय हम उनको नहीं देंगे आगे देखिए क्या कहते हैं कंपनीज उसके अलावा और बानवे कंपनीज जो हैं आर ऑन द शॉपिंग ब्लॉक बहुत खूबसूरत वर्ड्स आए हैं इसमें जो और 92 टू कंपनीज हैं दे आर ऑन द चॉपिंग ब्लॉक चॉप करते हैं ना सब्जियों को काटते हैं तो वो जो बयानबी कंपनीज हैं उनको भी काटने की कगार पे हैं वो भी उनका भी कहते हैं ना पत्ता साफ़ होने वाला है मीन्स उनको भी डिजोल्व किया जाएगा सो अनदर नाइन्टी टू कंपनीज आर ऑन द शॉपिंग ब्लॉक बिकॉज दे आर मोर देन वन एटी डेज बिहाइंड ऑन देयर लोन रीपेमेंट्स अब देखो लोन लेते हैं ना हम लोग तो लोन लेने में हमारे क्या क्या काम होते हैं हम एक तो लोन का इंटरेस्ट देते हैं देते हैं कि नहीं देते हैं तो अगर आप लोन की किस्त नहीं देंगे टाइम से तो वो एन में हो जाएगा एन का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट सरकार हमको गवर्नमेंट हमको तीन महीने देती है आप तीन महीने के अंदर अंदर अपनी जितनी भी लोन की किस्तें इस तीन महीने की दे के अलग करिए अगर आप वो नहीं देते हैं तो तीसरे महीने के बाद वो सीधे आपकी असेट को एन बना देती है एन का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट मीन्स कि आपकी इस जो भी संपत्ति है अब उसको बैंक कभी भी अपने कब्जे में ले सकता है राइट right? ये नहीं होना चाहिए तो क्योंकि यू नो देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स अटैच्ड विद इट सो यहाँ पे भी वही बात कह रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि जो 92 टू कंपनीज हैं वो भी अब बस हटने के कगार पे हैं क्योंकि दे आर मोर देन 180 डेज वो 180 दिन से भी ज़्यादा पीछे हैं 180 दिन का समझ लीजिए 30 से आप डिवाइड छः महीने से उन्होंने दिया ही नहीं है कोई भी लोन का पैसा मोर देन वन एट्टी डेज बिहाइंड ऑन देयर लोन रीपेमेंट्स गवर्नमेंट तो तीन महीने देते हैं उन्होंने तो दुगुना टाइम ले लिया एज दीज वूज आर नॉट इनफ जैसे कि यही परेशानियाँ ही काफ़ी नहीं हैं देखो वैसे एजफ़ में आ, आपका इमेजिनेशन आता है लेकिन क्योंकि ये जो परेशानियाँ ये सामने नजर आ रही हैं इसीलिए यहाँ पर आर लगा है एस इफ दीज वूज आर नॉट इनफ यही परेशानियां नहीं है लोन डिफॉल्ट डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं किस्त ना देना उसको बोला जाता है डिफ़ॉल्ट। और जो किस्त नहीं देता है उसको बोला जाता है डिफ़ॉल्ट सर लोन डिफॉल्ट बाई स्मॉल कंपनीज़ जो छोटी छोटी कंपनीज हैं क्योंकि उनका ट्रांजेक्शन्स uh, चले नहीं तो वो लोन की किस्ते नहीं दे पाएं तो उनके डिफ़ॉल्ट हो गए छोटी कंपनी उसके तो बाई स्मॉल कंपनीज हैव ऑल्सो डबल जेम द पास्ट ईयर पिछले सालों में पास्ट ईयर मीन्स पिछले साल में उनके जो किस्ते हैं उनके जो लोन नॉन पेमेंट्स हैं वो दुगने हो गए हैं सिग्नलिंग इशारा करते हुए एन इमिनेंट क्राइसिस बहुत ही बढ़िया वर्ड्स इसमें आए हैं इमिनेंट क्राइसिस इन दैट सेक्टर एज वेल तो एक होता है इमानेंट और एक होता है इमिनेंट एंड एक और होता है एमिनेंट जरा जल्दी से बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमिनेंट फटाफट मुझे बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमिनेंट अभी बताइए मुझे लिख के बताइए अभी लिखिए सो so, दे सिग्नलिंग इशारा करते हुए एन इमिनेंट क्राइसिस इट ये क्रिसिस नहीं होता इसका प्रोनउंसिएशन क्या होता है इसका प्रोनउंसिएशन होता है क्राइसिस क्राइसिस मीन्स संकट इसीलिए बड़े बड़े एम बी ए कॉलेज में क्राइसिस मैनेजमेंट कराया जाता है कि सपोज देर इज अर्थ क्वेक देर इज सम अदर नेचुरल डिजास्टर सो हाउ टू मैनेज दैट सो वी हैव ऑल दो स्टफ इन दैट सेक्टर एज वेल आई होप यू ऑल आर गेटिंग द आर्टिकल आज आर्टिकल थोड़ा सा टेक्निकल uh, है तो जिन लोगों को इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट नहीं है वो शायद नहीं पसंद करते ज्यादा इस तरीके की बातें बट नेवर द लेस पढ़ना तो सब कुछ है भाई क्योंकि हमें तो पढ़ाई करनी है हाँ अबाउट टू हैपन बहुत अच्छा वेरी गुड वेरी वेरी नाइस दैट इज अबाउट टू हैपन वेरी नाइस ओके गुड ग्राइट शोभा गुड इवनिंग अंजलि आकांक्षा गुड इवनिंग वेरी गुड भव्य तायल, वेरी नाइस गुड इवनिंग येस डू अबाउट टू हैपन ग्रेट प्रिया जैन ग्रेट प्रिया शर्मा आप सब लोग अच्छे आंसर्स देते हैं ओके मुन्मी गुड सो लेट अस कम बैक टू द क्लास आर ऑल द ओनर्स एंड मैनेजर्स ऑफ दीज कंपनीज जो भी कंपनीज उसने बताई है एंड देर बैंक मैनेजर्स करप्ट अब वो यहाँ पे सवाल पूछ रहा है राइटर कि जो इतनी सारी कंपनियों को आप डिजोल्व कर रहे हैं भाई हर कंपनी अस्तित्व में आती है एक एंटिटी लेती है अपनी यू नो कंपनी हैज इट्स ओन सेपरेट लीगल एंटिटी कंपनीज एंटिटीज एंड लाइबलिटीज़ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द एंड दाइबलिटीज ऑफ इट्स ओनर्स सो इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड द राइटर वॉन्ट्स टू आस्क अ क्वेश्चन कि जो इतनी सारी कंपनीज हैं लोन डिफॉल्ट हुए हैं रीपेमेंट नहीं कर पाई एन हो गया एक दिन पीछे चल रही है uh, क्वेस्ट देने से तो ये बताइए क्या ये जितनी भी कंपनियां हैं इसके जितने भी मैनेजर्स हैं और ओनर्स हैं और साथ-साथ इनके बैंक मैनेजर्स हैं क्या वो सब बेईमान हैं आर दे ऑल करप्ट वो सवाल पूछ रहा है फिर वो आगे क्या बता रहा है देखो वो कह रहा है एज द गवर्नमेंट वुड हैव अस बिलीव जैसे कि गवर्नमेंट हमें इन सब चीजों पे विश्वास करने कराने की कोशिश कर रही है एज द गवर्नमेंट वुड कि हम इस बात पे विश्वास करने कि इतनी कंपनियां बंद हो रही हैं, इतना कंपनियों में डिजोल्व uh, हो रही है तो इसका मतलब कुछ घोटाला है उसके ओनर्स भी बेईमान है उसके मैनेजर्स भी बेईमान है बैंक भी बेईमान है सब बेईमानी में शामिल है तो क्या हम इस बात पे विश्वास करें आप देखो आगे क्या बता रहे हैं द आइडिया इज एबसर्ड ये जो भी कुछ आइडिया है ना ये बेवकूफी भरा है हास्यास्पद है इस पर ऐसे ब, ब, बिलीव नहीं किया जा सकता इट इज प्री पोस्टर्स यू नो सो इफ यू टू से सेव वेरी गुड वर्ड मोस्ट ऑफ दीज अब देखो ज्यादातर कंपनिया मोस्ट ऑफ द कंपनीज कहा पर ऑन द चॉपिंग ब्लॉक मैंने बताया था ना चॉपिंग ब्लॉक यू नो वी हैव अ चॉपिंग बोर्ड ऑल्सो तो यहाँ पे ब्लॉक क्यों यूज किया क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको हम बंद करेंगे जिनको बंद किया जाएगा खत्म हो जाएंगी वो ठीक है ना उनका अस्तित्व मित जाएगा सो मोस्ट ऑफ द कंपनीज ऑन द चॉपिंग ब्लॉक जो कि रिजोल्यूशन के कगार पर हैडर्ड उन्होंने कोशिश करी है इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तो ज़्यादातर कंपनियों ने इतनी हिम्मत दिखाई चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया तो उन्होंने क्या किया हैट डेयर्ड उन्होंने इतनी हिम्मत करी किस चीज़ की हिम्मत करी टू इन्वेस्ट कि वो इन्वेस्ट करती किस में करें इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स Now remember one thing. This is dared and it's a verb. You know, कैसे verb है क्योंकि had ऐसे लिख देते हैं has, have और had के साथ verb की third form आती है और ये वाला main verb हो जाता है and this is your uh, helping verb. Has, have, had possessive verb का भी काम करता है जब उसके बाद noun आता है Okay. उन मीन्स किसी चीज का नाम आता है आई है पेन दट इज इट ओके सो नो डेट डाउन वैसे डेयर एक मॉडल का भी काम करता है मॉडल का काम करता है तो उसके बाद बेर इन्फेनेटिव लगता है बेर इन्फेनेटिव का मतलब होता है जिसमें टू का प्रयोग नहीं लगता ओके नेक्स्ट इज वेर माईट जस्ट क्लियर इट या सो मोस्ट ऑफ द कंपनीज ऑन द शॉपिंग ब्लॉक हैथ डेयर्ड उन्होंने एक, एक चुनौती स्वीकार करी टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो इन आधारभूत प्रोजेक्ट्स होते हैं ना बोला जाता इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड दैट द रीजन दे डिड सो और उसका कारण जो था उन्होंने किया था एंड दैट द रीजन दे डिड सो वॉज दैट के साथ देखो यहाँ पे क्या आया वॉज क्या कारण था उसका दैट द पब्लिक सेक्टर वॉज नो लॉन्गर डूइंग इट कि पब्लिक सेक्टर वो सब काम नहीं कर रहा था पब्लिक सेक्टर कंपनीज उन सब उस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर या पावर प्रोजेक्ट्स में आ ही नहीं रही थी तो कम से कम प्राइवेट कंपनियों ने इतनी हिम्मत तो दिखाई इतनी हिम्मत तो दिखाई के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखवाया था वर्ड हैड डेयर्ड टू इन्वेस्ट

ज्यादातर जो पूंजी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं यू नो जनरली कंपनीज जो uh, बनाई जाती हैं हम बिजनेस uh, में भी पढ़ते हैं कि दे वी हैव टू काइंड ऑफ कंपनीज कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक्स एंड लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स लेकिन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स में क्या होता है कि बहुत सारी पूंजी की आवश्यकता पड़ती है बहुत पैसों की आवश्यकता पड़ती है इसीलिए कंपनीज शेयर्स डिबेंचर्स और बैंक से काफी सारा लोन लेती है तो इस तरीके के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चूते ना इनमें बहुत बैंक्स बड़े पैमाने पे करोड़ों अरबों रुपए के लोन्स कंपनीज को देता है प्राइवेट कंपनीज को तो वही वो सवाल पूछ रहा है कि अब ये इतनी बड़ी-बड़ी कंपनियां बंद हो रही हैं तो क्या उसके मैनेजर्स बैंक के मैनेजर्स ओनर्स हैं बेईमान हैं ये तो बड़ा एब्सर्ड बात है तो अब उस बात को आगे बता रहा है क्या बता रहा है कि दिस कंसंट्रेशन ऑफ द ऑफ फेलियर इन द मोस्ट कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स एंड शेयर वाइडली स्प्रेड ऑफ़ किसका ये जो ढ़ह जाना ढ़ह जाने को बोला जाता है कोलैप्स बिल्कुल खत्म हो जाना शोज uh, दर्शाता है दिखाता है क्या दिखाता है दैट जो भी दूस जो भी कुछ कारण है इज Not confined to individual delinquents, but सिस्टमिक बहुत खूबसूरत लाइन है ये कि ये जो पूरे पूरे इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ ढह गई ख़त्म हो गई दिवालिया घोषित हो गई तो ये जो है ये किस कारण से हुआ है ये सिर्फ कन्फाइंड टू मीन्स कि सिर्फ उसी का नहीं है इसे वहीं तक सीमित नहीं है कि इंडिविजुअल डेलिक्वेंट्स हैं डेलिक्वेंट्स होते हैं जो अपनी ड्यूटीज का निर्वाह नहीं कर पाते डेलिक्वेंट्स मींस दोस हु आर नॉट इन अ पोजीशन टू डू देयर जॉब टू डू देयर टू टेक ओवर देयर रिस्पांसिबिलिटीज बट सिस्टमिक सिस्टमिक का मतलब होता है कि वो सिस्टम का फेलियर है ओके अ कोलैप्स कैन आल्सो सॉरी अ सिस्टमिक कोलैप्स कैन ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम अ सिस्टमिक फेलियर ये जो सिस्टमिक कोलैप्स है ना सिस्टम का कोलैप्स होना ये सिस्टम के ही फेलियर की वजह से आ, हो सकता है इन In इंडिया भारत में द आर बी आई ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है हैज़ डेल्ट उसने निपटा है हैज डेल्ट इट उसने इससे डील किया है बाई इम्पोजिंग इम्पोज करना मीन्स लागू करना क्या चीज़ लागू करना एंड देख उसे बनाना क्या वेरी हाई इंटरेस्ट रेट रिजीम का मतलब होता है सिस्टम रिजीम मीन सिस्टम वैसे रिजीम का मतलब रूल भी होता है शासन सो so, उसने ये सिस्टम लगाया कौन सा सिस्टम लगाया बहुत ही ज्यादा हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट का किसके लिए फॉर इंडस्ट्रियल बोरोवर्स जो कि इंडस्ट्री में जो पैसा उधार लेते हैं उन्हें बोला जाता है इंडस्ट्रियल बोरोवर्स। कब से सिंस 2010, थाउजेंड टेन रिगार्डलेस ऑफ द रेट ऑफ इन्फ्लेशन बेपरवाह होकर रिगार्डलेस ऑफ मीन्स उसकी उसकी उसने चिंता नहीं करी रिगार्डलेस ऑफ देन नॉट विद स्टैंडिंग और डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगता या इंस्पाइट ऑफ रिगार्डलेस ऑफ लगेगा बट नॉट विद स्टैंडिंग और उसके साथ despite के साथ ऑफ नहीं लगता जल्दी जल्दी बता रही हूँ फटाफट कर लो इट did दिस उसने ऐसा किया वेन इन्फ्लेशन मेजर्ड बाई द टाइम ऑनर्ड होल सेल प्राइस इंडेक्स वॉज एट परसेंट अब देखिए ये ना इसका कुछ एक रूल होता है होल सेल इंडेक्स से रिलेटेड इन्फ्लेशन को किस तरीके से बैरोमीटर में वो मैनेज करते हैं कभी होगा टाइम तो हम आपको ये भी समझाएंगे ठीक है बट अभी के लिए ये समझिए कि ये एक इन्फ्लेशन uh, रेट को नापने का कुछ तरीके होते हैं कि किस तरीके से हम डिसाइड करें कि इन्फ्लेशन कितना हो रहा है सो दिस इज़ द इंडेक्स फॉर द सो वेन इन्फ्लेशन मेजर्ड बाई द टाइम ऑनर्ड होल सेल प्राइस इंडेक्स वॉज एट तब भी उसने कम नहीं किया इट हैज हैजेड ये करता गया विद दिस ओवर द पास्ट फोर ईयर्स वेन डब्ल्यू पी आई डब्ल्यू पी आई मीन्स होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन हैज बीन क्लोज टू जीरो राइट जब वो जीरो था तब भी उसने जो है वो अच्छे तरीके से प्राइसेज उसने बढ़ाई उसकी इंटरेस्ट की ना दिस इज अवर बेंच इंग्लिश लर्निंग कोर्स फटाफट जिन्होंने नहीं लिया हाफ डॉट जीटा इंग्लिश डॉट कॉम से ले लो थोड़ी देर में प्राइस बढ़ जाएगी फिर मत कहना कि सर हमें उसी प्राइस पे चाहिए ओके एंड पाँच दिन का एक्सटेंसिव कोर्स है कल से क्लास शुरू रही है शाम को सात बजे से देन वी हैव दिस आवर कोर्स Uh, bundle, अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए सो हैव गॉट दिस एंड लास्ट दिसच टू आर क्लासेज आप इस शेड्यूल के हिसाब से हमारी क्लासेस में आ सकते हैं okay? कर लो वा वो वो उस, दोनों का मतलब, वो मीन्स मीन्स शपथ लेना वूज मीन्स परेशानी और एक और वो होता है डबल ओ, इसका मतलब होता है रिझाना किसी को किसी को अपने वश में करना या इंसॉलेंट बैंक इंसोलेंट का मतलब होता है इम्पर्टिनेंट या इम्प्यूटेंट मीन्स जो बदतमीज होता है उसे बोला जाता है इंसोलेंट इसके साथ एक और वर्ड आता है वो होता है इंडोलेंट जो डोल डोल के समय बर्बाद करे उसे बोला जाता है इंडोलेंट देन इमिनेंट मीन्स अबाउट टू हैपन इमानेंट मीन्स इनहेरेंट इन या परमानेंट एंड देन वी हैव एमिनेंट सक्सेसफुल एंड पॉपुलर कैजुअल मीन्स रिलेटिंग और एक्टिंग टू अ कॉज किसी चीज का कारण एंड कैजुअल मीन्स दिस इज कॉजल सॉरी दिस इज कॉजल एंड दिस इज कैजुअल दिस इज केयरलेस ओके एंड देन वी हैव अनदर वन एंड दैट इज दिस इज द क्वेज इसका आंसर आप मुझे जितने भी आपको वर्ड्स याद हों आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ठीक है एंड देन वी हैव द आंसर हियर यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट जो आपको याद रह जाए बस उतने आप हमें लिख के दीजिएगा राइट right? सो दिस इज आर द कोर्स दैट आई वॉजिंग अबाउट दोज हु विश टू टेक इट यू कैन डेफिनेटली टेक दीज कोर्सेज एंड दिस इज द लाइव क्लास शेड्यूल सो माई डियर फ्रेंड्स टूडे वी आर गोइंग टू मीट अगेन अभी सर के साथ आपकी क्लासेस साढ़े आठ बजे हैं शायद क्लास विनित इंग्लिश ब्लू प्रिंट बंडल की क्लास है तो प्लीज उसको आप अटेंड करने जरूर आइएगा और आप सब लोग अपना ख्याल रखिए कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं ज़्यादा बाहर मत निकलिए अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखिए अपना और अपनों का दोनों का ध्यान रखिए तब तक के लिए बाय टेक केयर थैंक यू गुड